हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इस कार्यक्रम में हम वो अंतर्राष्ट्रीय समाचार देते हैं जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते, और वो समाचार देने की कोशिश करते हैं जो भारत से भी बहुत नज़दीक होते हैं, एक ताल्लुक होता है। आज आपको एक बड़ी खबर दे रहा हूँ। नाइजीरिया से भारत आए शिया धर्मगुरु शेख ज़कज़की और उनकी पत्नी मौलिमा ज़ीनत ज़कज़की गुड़गांव में मेदांता अस्पताल में उनके साथ नाइजीरिया और भारत की खुफिया एजेंसियों के ज़रिए लगाई जा रही पाबंदियों और अस्पताल और डॉक्टर अपने भरोसे के ना होने की वजह से नाइजीरिया वापस लौट गए हैं। पिछले सोमवार यानी मंडे को दुबई के रास्ते से वे यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने तभी से कल तक अपना इलाज शुरू नहीं कराया था। उन्होंने नाइजीरिया के लिए वापस जाने से पहले एक वीडियो पैगाम जारी किया था जो लंदन स्थित इस्लामिक ह्यूमन राइट्स कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। यही संस्था उनका नाइजीरिया में कानूनी प्रबंधन कर रही थी और उन्हीं की कोशिशों से उनका भारत आना मुमकिन हो सका था। उन्होंने जो बातें कल वीडियो पैगाम में कही हैं उनमें कुछ ख़ास बात ये है। पहली बात तो ये कि उन्होंने कहा है कि नाइजीरिया सरकार ने जो मीडिया को बताया है कि मेदांता अस्पताल हमारी चॉइस है, ये बात झूठ है। हमें पहले बताया गया था कि फोर्टिस अस्पताल अच्छा है, जबकि बाद में हमें महसूस हुआ कि नाइजीरिया सरकार हमें एक अलग अस्पताल में भेजने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पहले ही विमान की तैयारी कर ली थी और वे हमें फोर्टिस अस्पताल ले जाना चाहते थे। नाइजीरिया सरकार ये दिखावा कर रही है कि हमने मेदांता अस्पताल को चुना है। दूसरी बात जो उन्होंने कही है वो ये कहा है कि नाइजीरियाई सरकार ने भारत सरकार से कहा है कि मैं एक आतंकवादी हूँ यानी टेररिस्ट हूँ और मेरी बीमारी के बारे में कुछ मालूमात नहीं है। उन्होंने जो कहा उसे सच मानते हुए मेदांता अस्पताल के डॉक्टरों ने शुरू से ही मेडिकल टेस्ट शुरू करना चाहे। हम पहले ही नाइजीरिया में इन सभी टेस्ट से गुजर चुके हैं और बीमारी को पूरी तरह से पहचान लिया गया है, उसके बाद ही इलाज के लिए भारत आने की ज़रूरत महसूस की गई। लेकिन यहाँ इस अस्पताल में उन्होंने हमें बताया कि वे कुछ नहीं जानते और उन्हें शुरू से ही टेस्ट करने होंगे। हम यहाँ जिस्म से गोलियाँ निकलवाने आए थे। आपको मैं बता दूँ कि दिसंबर 2015 में जो उनके फॉलोअर्स इमाम हुसैन के चेहलुम के टाइम पे, जिसे अरबईन भी कहा जाता है, वहाँ की फ़ौज ने हमला किया और उसमें तकरीबन 350 लोग मारे गए थे, जिसमें खुद शेख ज़कज़की को भी गोलियाँ लगी थी, उनकी पत्नी भी घायल हुई थी और उसके बाद से वो अब तक जेल में हैं। ये गोलियां निकलवाने की जो बात कर रहे हैं ये उसी वाकये के बाद की बात कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि असल गलती नाइजीरियाई सरकार की है, उन्होंने यहाँ के अस्पताल से झूठ बोला है। नाइजीरियाई सरकार ने हमें आतंकवादी के रूप में भेजा और चूंकि हम फोर्टिस अस्पताल से सहमत नहीं थे, इसलिए नाइजीरियाई सरकार ने हमें मेदांता अस्पताल में भेजने का फैसला किया। यहाँ अस्पताल के जिम्मेदार लोगों ने हमें बताया कि ये उनका कानून है जिसका हमें पालन करना होगा, क्योंकि इस पूरी कहानी की बुनियाद ही झूठ पर है। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि शेख ज़कज़की ने इस बात को महसूस किया कि इस पूरी कहानी का जो बुनियाद है, जो ढांचा है, वो झूठ पर है, इसलिए हम इस पूरे प्रोसेस को ही यकीन नहीं करते। उन्होंने आगे कहा कि कल हमारी नाइजीरियाई दूतावास के एक डिप्लोमेट से बातचीत हुई, जिसमें हमने उनसे कहा कि क्या वे हमारी शर्तों को मानते हैं कि हम नाइजीरिया वापस जाना पसंद करते हैं। अस्पताल की शर्तों को स्वीकार करने या नाइजीरिया में वापस जाने के लिए भारत सरकार ने उन्हें सिर्फ 2 घंटे का वक्त दिया था। ये बात भी शेख ज़कज़की ने कही है। हमने उन्हें बताया कि हम इसे स्वीकार नहीं करने जा रहे हैं और हम अपने देश वापस जाना पसंद करते हैं। लेकिन अब 24 घंटे के बाद भी, ये रिकॉर्डिंग है 15 अगस्त की, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि 24 घंटे गुजर चुके हैं, भारत के मेदांता अस्पताल के ऑफिशियल्स ने हमें कोई जवाब नहीं दिया है। बहुत सारे देश हैं जहां इलाज कराया जा सकता है, हम नाइजीरिया वापस चले जाएंगे और अगर उनमें से कोई भी देश हमारी शर्तों को मानता है तो हम वहाँ चले जाएँगे, अलविदा। ये बात उन्होंने अपने मैसेज में कही है। इससे पहले भी शेख
अल जकजकी और मौलमा जीनत ने कहा था कि भारत में उन्हें ज़रूरी इलाज नहीं मिल रहा और वे परेशान होने के बजाय नाइजीरिया वापस लौट जाएंगे। अस्पताल से जो हमें खबरें मिली थीं उसमें कहा गया था कि शेख जकजकी के साथ आने वाले नाइजीरिया खुफिया एजेंसी के लोगों ने भारत की सुरक्षा एजेंसियों से मिलकर उन्हें पूरी तरह से कैद कर रखा था। वे अपनी मेडिकल टीम और वकीलों, यहाँ तक कि अपने दोस्तों से भी नहीं मिल पा रहे थे, जिसकी वजह से शेख जकजकी और उनकी पत्नी का इस पूरे प्रोसेस पर यकीन खत्म हो गया था। कल 15 अगस्त को उनके कानूनी संरक्षक लंदन की एनजीओ IHRC के मसूद शजरे को भी उनसे अस्पताल में नहीं मिलने दिया गया। इन सभी हालात को बहुत नज़दीक से देखने वाले IHRC के पैनल पर मौजूद डॉक्टर शहजान अली हेमानी से बात करते हैं। ये डॉक्टर साहब अप्रैल में 3 डॉक्टरों के साथ, यानी ये कुल 4 डॉक्टरों की टीम थी, नाइजीरिया गए थे ताकि शेख जकजकी और उनकी पत्नी का मेडिकल चेकअप किया जा सके। इन डॉक्टरों की टीम में तौफीक पंजवानी, काजिम ढल्ला और नूरुल अब्बास नूरानी शामिल थे। शहजान अली हेमानी साहब, आप उस टीम में गए थे अप्रैल में शेख जकजकी को और उनकी पत्नी को चेक करने के लिए, वो कैसे आप गए थे, क्या आपने पाया था, ज़रा ये बताइए, और आपके साथ जो डॉक्टर्स थे उनकी क्या ऑब्जर्वेशन थी, फिर हम आपसे बात करेंगे कि अब जो भारत में ये आए थे इस सब में क्या कुछ हुआ, इस पे बाद में बात करेंगे। लेकिन आप पहले बताइए कि जो अप्रैल में आप नाइजीरिया गए थे वो उसमें आपने क्या पाया था, उनकी सेहत के बारे में क्या ऑब्जर्वेशन थी? बेसिकली हमें मार्च के महीने में IHRC के थ्रू कनेक्ट किया गया था कि शेख जकजकी करके है जो नाइजीरिया में है और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हमें कहा गया था कि हमें वहाँ जाकर उन्हें एग्ज़ामिन करना रहेगा। ये टीम IHRC के जो चेयरपर्सन हैं मसूद शजरे जी, उन्होंने ये टीम को फॉर्म किया था। हम 4 डॉक्टर थे जिसके अंदर डॉक्टर काजिम ढाला जो थे वो तांजानिया से थे और वो मेडिकल टीम के हेड थे, वो ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट थे। हमारे साथ में डॉक्टर नूरुल अब्बास नूरानी थे जो कार्डियोलॉजिस्ट है अहमदाबाद इंडिया से। हमारे तीसरे जो डॉक्टर थे वो थे डॉक्टर तौफीक पंजवानी जो ऑर्थोपेडिक थे, और साथ में मुझे भी बोला गया था ताकि हम वहाँ जाके उनका एग्ज़ामिन कर सके और एक रिपोर्ट बना सके। हम अप्रैल के महीने में जब गए वहाँ पर और उनको एग्ज़ामिन किया तो हमारे रिपोर्ट्स जो थे उनके अंदर शेख की जो बीमारी थी वो उनकी आँख का जो प्रॉब्लम था कि एक आँख का विज़न नहीं है, दूसरी आँख में 20% विज़न बाकी रहा है, साथ में उनके बॉडी के अंदर काफ़ी शार्पनेल्स हैं और उनका ब्लड लेवल के अंदर जो टॉक्सिसिटी होता है लेड का वो काफ़ी हाई था, नेक का प्रॉब्लम और बाकी दीगर कुछ छोटे मसाइल थे। उनकी वाइफ को जब एग्ज़ामिन किया गया था तो उनकी वाइफ के अब्डोमेन में पेट के अंदर एक बुलेट पाई गई थी और उनको चलने के लिए तकलीफ़ होती थी। ये बेसिकली जो था वो हमारी जो रिपोर्ट जो हमने सबमिट की IHRC को, तो ये रिपोर्ट हमने सबमिट। अभी आपने जब ये भारत आए, दिल्ली आए, आप बम्बई से यहाँ आए IHRC की तरफ से, क्या आप शेख जकजकी से मिल सके और उनका मॉरल कितना हाई था? क्योंकि मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि 2 अलग अलग फौजी कार्रवाइयों में नाइजीरिया में उनके 7 में से 6 बेटे मारे जा चुके हैं और वो इतने पॉपुलर लीडर हैं कि हज़ारों लोग सड़क पर उनके लिए तकरीबन हर दिन रहते हैं और वो इतने पॉपुलर हैं कि सरकार एक तरह से दबाव में थी, जो अपना हवाई जहाज भी भेजना चाहती थी कि वो यहाँ इलाज करा लें, या उनके जो भी उसके पीछे साजिश थी हम नहीं जानते, लेकिन हाँ वो इतने प्रोमिनेंट लीडर हैं कि उनको नुकसान पहुँचाना भी सरकार के लिए शायद बहुत मुश्किल है। तो ऐसी हालत में अब जब वो भारत आए थे, जब आप अप्रैल के बाद अब मिले, उनका मॉरल कितना मजबूत था या कैसे थे और हेल्थ कंडीशन उनकी कैसी आपने पाई? बेसिकली 13 तारीख को वो जब इंडिया लैंड किया तो उनको डायरेक्टली हॉस्पिटल ले गया गया, हॉस्पिटल की एम्बुलेंस थी जिन्होंने उन्हें हॉस्पिटल ले गए और हम उनसे शाम को करीबन 7 बजे के आसपास हमारी मुलाकात हुई शेख से, और शेख, उनकी वाइफ और उनके साथ में जो उनके रिलेटिव्स आए थे वो सब इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, जो प्रोटोकॉल के हिसाब से जहाँ पहले ले जाया जाता है एडमिशन से पहले, वहाँ ले गया गया था उन्हें, और वहाँ पर वो थे। उनके साथ में
उनके ऑफिशियल्स और दूसरे जो भी हजरात आए थे, हम वहाँ गए, उनसे मिले, उनसे बात हुई, तो उनका मॉरल काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, उन्हें काफ़ी उनके जो पॉइंट्स थे, शरायत थे, वो शरायत को वो फोकस कर रहे थे। उनकी तबीयत इस वक्त हमें असेस करने या हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे जिनको करना था, तो क्योंकि वो उनकी तबीयत अभी हम ना हम कर सके ना हॉस्पिटल के डॉक्टर्स उन्हें असेस कर पाए, री एग्ज़ामिन कर पाए, तो फ़िलहाल में उनकी जो तबीयत है बेटर है या कम है उसके ऊपर कमेंट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अब तक उनका री असेसमेंट नहीं हुआ था। अभी जिस हालत में वो वापस गए हैं, आप एज ए डॉक्टर, प्रोफेशनल डॉक्टर, क्या आपको क्या लगता है कि वो उन्हें जो जो उन्होंने फैसला लिया, वो बहरहाल वो अपने बैकग्राउंड और अपनी सिचुएशन बेहतर जानते हैं, अपनी सरकार और सरकारों का जो रवैया है, लेकिन आपका अपना क्या असेसमेंट था कि उन्हें क्या यहाँ के डॉक्टर्स को कोई और बेहतर तरीके से, और ख़ास तौर पे मैं ये बात आपसे मालूम करना चाहता हूँ कि अगर पेशेंट अनईजी फील करे किसी सराउंडिंग में, क्या उसमें इलाज या दवाएँ क्या वाकई काम कर सकती हैं, इस पर आप थोड़ा बताइए। क्योंकि जब आप किसी डॉक्टर किसी पेशेंट का इलाज करते हैं तो उसकी एक तरह से साइकोलॉजिकली उसको विन विन पोजीशन में लाने के लिए सराउंडिंग्स पर यकीन हो उसे, वो भी आप एश्योर करते हैं, आपको कैसा लगता है इस एस्पेक्ट के बारे में? एज अ मेडिकल डॉक्टर मैं ये बात को, आपकी जो बात है वो काफ़ी हद तक सही है कि जब तक पेशेंट का सराउंडिंग, जब तक वो फैमिली मेम्बर्स से ना मिले या जब तक पीस ऑफ माइंड ना रहे तो असर होना दवा का, क्योंकि मेंटल इफ़ेक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है अपनी रिकवरी के अंदर, ख़ास करके अगर ट्रीटमेंट हुआ है तो रिकवरी अच्छी होने के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है कि उनका जो एटमोसफियर बना रहे वो काफ़ी अच्छा बना रहे। उनकी हेल्थ कंडीशन, उनके वापस जाने से जो मुतालिक बात है वो इस तरीके से है कि उन्हें ट्रीटमेंट की तो ज़रूरत है, हमने भी उन्हें बात की, हम उनके साथ 2 दिन तक थे, हमने काफ़ी कोशिश की उन्हें। आप कितनी बार मिल पाए? हम उन्हें जिस दिन वो आए उस दिन हम उन्हें मिले शाम को, अगले दिन हमें पूरा फुल डे एक्सेस था, शाम तक हमें एक्सेस था, सुबह 10 से लेके शाम तक, लेकिन शाम को पता चला कि हमारा भी जो एक्सेस है उनके साथ में वो रिवोक हो गया है। शाम के बाद हमें भी जो आईडी कार्ड दिए गए थे वो हमें कहा गया था कि एक्सेस हमारा भी डिनाइड हो गया है, यानी जिन डॉक्टरों पर उन्हें भरोसा था वो भी उनसे नहीं मिल पा रहे थे। जी सही बात है, हमें जो दिया गया था एक्सेस, जैसा मैंने कहा कि हमें एक्सेस दिया गया था, लेकिन शाम तक हमें पता चला जब हम शाम को उन्हें मिलने गए कि उनकी तबीयत ठीक है या उनका जो भी मेडिकल जो हमने अपडेट लेना था, तो जब हम शाम को गए तो हमें पता चला कि हमारा जो एक्सेस है वो 14 तारीख को रात को हमारा एक्सेस रिवोक किया गया था, तो उसके बाद क्या कंडीशंस थी या क्या कंडीशंस है हमें, उसके बाद हमारी उनसे मुलाकात भी नहीं हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हेमानी साहब। मैं ख़ास तौर पे अपने दर्शकों से मैं बताऊं कि हम चूँकि भारत में रहते हैं, हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम, डेमोक्रेसी और बहुत सी ऐसी आज़ादियाँ हैं जिसको हम शायद यहाँ हम महसूस नहीं करते, लेकिन मैंने बहुत देशों का सफ़र किया है, मिडिल ईस्ट का भी, अमेरिका भी और यूरोप में भी, और जिस तरह से मिडिल ईस्ट की ख़ास तौर पर और अफ्रीकन कंट्रीज़ की बहुत से कंट्रीज़ में मैं गया हूँ, जिस तरह से वो सरकारें अपने अपोजिशन लीडर को जिस तरह से ट्रीट करती हैं और कितनी सख्तियों से गुजरना पड़ता है, उसका अंदाज़ आप इस बात से लगा लेंगे कि उनके साथ चूँकि नाइजीरियन सिक्योरिटी ऑफिशल्स थे हॉस्पिटल में, एक तरह से उन्होंने घेरा हुआ था, तो वो एक ज़हनी कशीदगी और जो जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, उससे वो बाहर नहीं आ सके थे यहाँ अस्पताल में आने के बाद भी, तो ऐसी सिचुएशन में उनका वापस जाना, उनका फ़ैसला लेना, मैं समझता हूँ हम भारत में रहने वालों को इस बात को महसूस करना चाहिए कि जब पॉलिटिकली आप इतने मजबूती से सरकार के अगेंस्ट हों और सरकारें भी ऐसी हों जो अपने अपोजिशन के लोगों पर गोलियां बरसा देती हों, 350 लोग एक बार मारे गए, 35 लोग एक बार मारे गए इनके जो 2014 में भी एक वाकया हुआ था, तो ऐसी सिचुएशन में उनका वापस जाना उनका अपना फैसला था, लेकिन हमें बहरहाल भारतवासी होने की वजह से हमें इस बात का अफसोस है कि भारत में उनका इलाज ना हो सका, हम उनका विश्वास नहीं जीत सके। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सकें। इसी के साथ लेता हूं इजाज़त, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद।